भारत का इतिहास बहुत ही पुराना है और भारतवर्ष के इतिहास में ना जाने कितने ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आज तक पूरी तरह से उजागर नहीं हो सका है। भारत का इतिहास कई बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है और भारत का इतिहास भी बहुत ही रोचक माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी बहुत सी पौराणिक एवं प्राचीन कथाएँ हैं जो हमारे देश को और भी रोचक बनाती हैं। भारतीय इतिहास इतना पुराना है कि शायद ही कोई और देश का इतिहास हमारे देश के इतना पुराना हो। आज हम आपको ऐसे एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो भारतीय इतिहास में बहुत ही पुराना एवं पौराणिक रूप में जाना जाता है। इस मंदिर के कोने कोने में राज छुपा है और इंच इंच में कारीगरी छिपी है। जिस मंदिर का 118 सालों से मुख्य द्वार बंद पड़ा है वह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस मंदिर के इतिहास और रोचक तथ्य के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, लेकिन वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उड़ीसा राज्य के पुरी में जहां भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी का भव्य मंदिर स्थित है, श्री पावन स्थान से लगभग कुछ ही किलोमीटर दूर भगवान सूर्य का कोणार्क मंदिर स्थित है। यह मंदिर पुरी में समुद्र तट से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र के बीचों बीच से कोई जहाज गुजरती है तो इस मंदिर के गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से वह जहाज किनारे की ओर अपने आप ही खींची चली जाती है। इसकी कलात्मकता को देख सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसकी पौराणिक बनावट को देख लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इतने भव्य मंदिर का निर्माण उस समय के साधन के अभाव में किस प्रकार किया गया होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस मंदिर को रहस्यमय और ऐतिहासिक रूप दे देती हैं। कोणार्क नामक स्थान के चंद्रभागा नदी के किनारे भगवान सूर्य का यह पौराणिक और रहस्यमय मंदिर स्थित है। इस स्थान पर देश विदेश के टूरिस्ट आते रहते हैं और यह टूरिस्ट के लिए पर्यटन का केंद्र बन चुका है। हमारे भारत देश में बहुत से पर्यटन स्थल हैं और उन्हीं पर्यटन स्थल में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर भी अपना स्थान बनाए हुए है। यूनेस्को ने कोणार्क के इस सूर्य मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान कर दिया था। इस मंदिर की भावना को आप यहां निर्मित कलाकृतियों से भी समझ सकते हैं। कोणार्क के स्थानीय लोग इस मंदिर को विरंची नारायण नाम से पुकारा करते हैं। इस रहस्यमय मंदिर को देखने के लिए टूरिस्ट लोगों की बहुत बड़ी संख्या प्रतिदिन मौजूद होती है। पौराणिक इतिहास के तर्ज पर यह पता चलता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर लगभग 13वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया गया होगा। इस मंदिर की कलात्मकता, भव्यता और इंजीनियरिंग को देख यह लगता है कि यह अपने समय में सबसे निपुणता के ज्ञान से निर्माण किया गया होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंग वंश के एक महान शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर को लगभग अपने शासनकाल के दौरान 1243 से 1255 ईस्वी के बीच में निर्माण कार्य को शुरू करवाया होगा। इस मंदिर के रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हों और इस रथ पर सूर्य देवता को विराजमान दिखाया गया है। यहाँ मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से ये नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसे लगता है जैसे सूरज से निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस मंदिर की खोज कैसे हुई। भारतीय इतिहास से पता चलता है कि कलिंग यानी उड़ीसा मुस्लिमों के अधीन हो गया था, जिसके भय से वहाँ के पंडितों ने तमाम मूर्तियों और मंदिरों के साथ सूर्य मंदिर की भव्य प्रतिमाओं को रेत में छिपा दिया था। मंदिरों को रेत में छुपाने के बाद यह स्थान टीले और जंगलों में तब्दील हो गए, लेकिन साल 1900 के आसपास अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी लॉर्ड कर्जन कारोबार की खोज में उड़ीसा पहुंचे तो उन्हें 300 साल पुराने मंदिर होने के रहस्य का पता चला। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने मंदिर को रेत और बालू से निकाला तो यह 229 फीट विशाल मंदिर को देख सभी ब्रिटिश अधिकारी चौंक गए। जितना ज्यादा मंदिर के आसपास रेत और बालू को हटाया जा रहा था उतना ही विशाल क्षेत्रफल वाला मंदिर पाया गया। अंग्रेजों ने मंदिर के भव्यता को देख मंदिर की मरम्मत करवा दी, परंतु निरंतर मंदिर के अवशेषों के गायब होने और प्राकृतिक आपदाओं से मंदिर के क्षति पहुंचने पर गवर्नर जॉन वुडवर्ड ने मुख्य कोणार्क मंदिर को चारों ओर से सभी दरवाजों को दीवालों से बंद करवा दिया था ताकि मंदिर सुरक्षित रहे, जिसे आज भी लगभग 118 साल बीत जाने पर भी खोला नहीं गया है। भारत सरकार की ओर से मंदिर के दरवाजे को खोलने की बात सामने आती रही,
लेकिन लगातार किन्हीं अनजान कारणों से समय को टाल दिया जाता रहा है। दोस्तों, क्या आप भी इस विशाल कलाकृति वाले मंदिर को देखने गए हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।